नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं पौधा गन्ने के अंदर दूसरी सिंचाई हमें कब करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई के अंदर हमें किन खाद का या फिर किन उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हम आने वाले समय में एक अच्छा उत्पादन लेने में सक्षम हो पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा टिलरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ गन्ने की मोटाई और लंबाई को हम बढ़ा सकें। क्योंकि किसान भाइयों, जितना हम शुरू से अपने गन्ने के ऊपर ध्यान रखते हैं, जितना फोकस हम गन्ने पर शुरू से देंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट हम आने वाले समय में ले पाएंगे। इसलिए किसान भाइयों, आपको शुरुआती दिनों में लगभग मान लीजिए बुआई से लेकर लगभग 100 दिन तक आपको अपने गन्ने की जो देखरेख है वह बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा निगरानी आपको अपने गन्ने की करनी होती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा निगरानी आप अपने गन्ने की फसल की करेंगे, उतना ही अच्छा उत्पादन हम समय से ले पाएंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ हम निकाल पाएंगे अपने गन्ने की फसल से। इसलिए किसान भाइयों, अपने गन्ने की फसल का आप ज़्यादा ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं कि गन्ने की जो दूसरी सिंचाई है वे हमें बुआई से कितने दिन पर करनी चाहिए और इस समय पर हमें किन किन उर्वरकों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और भी क्या कार्य ऐसे हैं जो हम अपने गन्ने की फसल के अंदर करके एक अच्छा उत्पादन लेने में हम सक्षम हो पाएंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैंने आपको बता देता हूँ कि आपको अपने खेत की जो गन्ने की निराई गुड़ाई है उस पर विशेष ध्यान देना है। इस बात को मैं लगभग अपनी सभी वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आप अपने गन्ने की निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान दें। अपने गन्ने की जो जड़ें हैं उन्हें फोका रखें। जितनी ज़्यादा आप अपने खेत की जुताई करेंगे या जितनी ज़्यादा आप अपने खेत के अंदर कस्सी की सहायता से या फिर फावड़े की सहायता से जितनी ज़्यादा आप अपने खेत गन्ने की खुदाई करेंगे, उतना ही ज़्यादा टिलरिंग होगी और उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ आपके गन्ना करेगा। गन्ना एक ऐसी फसल है किसान भाइयों, इसकी जड़ें जितनी ज़्यादा आप फोकी रखेंगे, उतना ही ज़्यादा ये ग्रोथ करता है और उतनी ज़्यादा टिलरिंग ये अपने अंदर से निकाल करके चलता है। और इस जितनी ज़्यादा टिलरिंग होगी, जितनी ज़्यादा ग्रोथ अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा उत्पादन हमें आने वाले समय में देखने को मिल जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों, निराई गुड़ाई का विशेष ध्यान दें और अपने खेत के अंदर आप कोई भी खरपतवार ना उगने दें। यदि कोई खरपतवार उगता है तो कोशिश करें उसे आप फावड़े की सहायता से या फिर हाथों की सहायता से सिंचाई करते समय या सिंचाई से पहले उन सभी खरपतवारों को आप अपने हाथ से उखाड़ करके फेंक दें। क्योंकि जितनी जल्दी आप खरपतवारों को अपने खेत से बाहर निकालेंगे, उतना ही ज़्यादा उत्पादन, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपकी फसल को मिलेगा। क्योंकि खरपतवार हमारे खेत की बहुत ज़्यादा एनर्जी या बहुत ज़्यादा ताकत को ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए आपको अपने खेत के अंदर कोई भी खरपतवार नहीं उगने देना है। बात करते हैं दूसरी सिंचाई की। तो किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई जो हमें करनी है वह लगभग पहली सिंचाई से 15 दिन के बाद आपको दूसरी सिंचाई करनी होती है। या मैं बात करूं कि बुआई से, तो बुआई से लगभग आपको 45 दिन के अंदर दूसरी सिंचाई आपको कर देनी होती है। अब बात करते हैं दूसरी सिंचाई करने पर आपको किन किन उर्वरकों का उपयोग करना है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टिलिंग अपने गन्ने की फसल के अंदर ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं दानेदार के रूप में आपको बता रहा हूँ कि दानेदार के रूप में आपको क्या लेना है, और इसी में मैं आपको बाद में बताऊँगा कि आप स्प्रे के रूप में आप इसमें क्या ले सकते हैं। क्योंकि कुछ किसान भाई दानेदार के रूप में डालना पसंद करते हैं और कुछ किसान भाई जो है स्प्रे के रूप में डालना पसंद करते हैं। तो किसान भाइयों, यदि मैं दानेदार की बात करूं, तो यदि आपने किसान भाइयों पहली सिंचाई पर बायोवीटा या फिर सागरिका का उपयोग नहीं किया है, तो आपको दूसरी सिंचाई पर लगभग 7 से 8 किलोग्राम सागरिका या फिर आप 6 से 7 किलोग्राम बायोवीटा, इन दोनों में से किसी एक की मात्रा आप अपने गन्ने की फसल के लिए ले सकते हैं। और यदि आपने सल्फर का उपयोग भी आपने पहले नहीं किया है, तो सल्फर की मात्रा आपको आधा किलो प्रति बीघे के हिसाब से या फिर आप 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप सल्फर की मात्रा ले सकते हैं। और किसान भाइयों, इसके साथ आप कारटेफ का भी उपयोग कर सकते हैं। कारटेफ की मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 8 से लेके 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी होगी। और किसान भाइयों, इन सभी को आपको यूरिया खाद में मिक्स करके, यूरिया की मात्रा किसान भाइयों लगभग 25 किलोग्राम आपको 1 एकड़ के हिसाब से लेनी है। और इन सभी को आपको अच्छे से मिक्स करके अपने खेत के अंदर इनकी उर्वाई आपको करवा देनी है। किसान भाइयों, एक बात का और आप और विशेष ध्यान दें कि आप इस खाद को अपने खेत के अंदर बिखराव ना करवाएं। कोशिश करें कि इसे आप पौधे की जड़ में रखने की कोशिश आप करें। यदि आप पौधे की जड़ में इसे रखते हैं, तो आपको इसके जो रिजल्ट हैं वह ज़्यादा मिलेंगे बिखराव करवाने के मुकाबले। आप इस चीज़ को एक बार ट्राई करके देखें एक खेत के अंदर कि
आप एक खेत के अंदर बिखराव करवाएं और एक खेत के अंदर आप पौधे की जड़ में इसे रखें और उसके बाद आप अपने खेत की सिंचाई करवाएं। तो किसान भाई इतना करके आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि आपको किस में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, पौधे की जड़ में रखने पर या फिर आप बिखराव करने पर। यदि आप मेरी तरह से चलें तो मेरा मानना यही है कि मैं पौधे की जड़ में इसे खाद को रखवाता हूँ और इसके जो बेनिफिट हैं वह कुछ ज़्यादा ही अच्छे देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। यदि वीडियो सही लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो किसान भाइयों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।